और दोस्तों इस वक्त रात है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आपका हाउस एकदम ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, और उसका डेमो जो है वो मैं अभी देने वाला हूँ। पर दोस्तों मैं आपको अभी सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या हो रहा है। अभी नाइट है और आप सोच रहे होंगे मैं घर से बाहर क्यों निकल रहा हूँ जबकि मुझे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ सामने दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं उनके सामने जा रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ॉम्बी के बाजू में से चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वो लोग यहाँ तक मुझे नोटिस भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पाइडर्स के साथ भी वही हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइडर्स मेरे ऊपर उड़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये हो क्या रहा है, तुमने किया क्या है वर्ल्ड के साथ, आप ऐसा सोच रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं ये चीज़ और ये क्या है। दोस्तों अभी मैं टॉर्चेस लगा के भी एक बार आपको थोड़ा लाइट में दिखा देता हूँ कि ये है क्या। अभी तो मेरा ये घर है छोटा सा, मैंने बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, ये घर मैंने बनाया है। पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोग मुझे देख भी नहीं पा रहे और कुछ भी नहीं कर रहे, कोशिश भी नहीं कर रहे मुझे मारने की। दोस्तों ये इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ है, आप देख कर खुश हो जाओगे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ॉम्बी मुझे देख सकता है पर वो कुछ कर नहीं सकता है। आप कुछ भी कर लीजिए वो आपको कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रो फायर गेमिंग में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप वकांडा की शील्ड बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्वल के फैन हो, यानी कि अगर आप मार्वल की मूवीज़ देखते हो, तो आपको पता ही होगा उसमें जो ब्लैक पैंथर मूवी है उसका जो किंगडम है उसका नाम वकांडा है, और उसके अंदर उसने एक शील्ड लगाई हुई है जिससे बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर नहीं जा सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा कूल फीचर लगा मुझे दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो बहुत सही रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पे है ही नहीं, तो मैंने खुद का एक रेडस्टोन मैकेनिज्म बनाया जिससे ये वर्क करता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये घर के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि मतलब एक तो ये नॉर्मल घर है, ऊपर से आप अगर ये विंडो देख पा रहे होंगे जो वाटर से बनी है, तो ये बैरियर ब्लॉक से बनी हुई है दोस्तों। अगर आपने मेरे बैरियर ब्लॉक्स का वीडियो अब तक चेकआउट नहीं किया है तो उसे भी चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसे दिखती है अंदर से। फिलहाल तो हम वकांडा की शील्ड पर बात करेंगे दोस्तों। सामने जो वो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि कैसे वो काम करती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्लास का बनाया हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके जो भी मेरा मैकेनिज्म है दोस्तों। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, आपको इसे समझना होगा अगर आपको ये शील्ड बनानी है। अगर आपको नहीं समझना है तो भी आप सिर्फ मुझे कॉपी करेंगे तो भी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, सबसे पहले तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द फर्स्ट सेट ऑफ कमांड ब्लॉक्स आर फॉर ऑफ स्विच, यानी कि जो ऑफ स्विच होती है इसमें ऑन और ऑफ स्विच मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट जो है वो उसके लिए बनी हुई है और सेकेंड वाली जो है वो ऑन स्विच के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कोड नज़र आ रहा है, सभी में ऐसा ही कोड है दोस्तों। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक एक कोड कैसे लिखना है, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ कि मैं स्लैश फिल कमांड किस तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों बेसिकली मेरा जो मतलब है वो ये है कि ये जो आपको चार ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो चार वॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बैरियर ब्लॉक से बने होंगे। आपका घर या जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसके आजू बाजू चार वॉल्स, और जो पाँचवा जो है वो होगा टॉप का पार्ट जिससे आपका टॉप पार्ट कवर होगा, और दूसरे जो पांच हैं वो एयर होंगे, मतलब उनके अंदर वो बैरियर ब्लॉक्स एयर से रिप्लेस हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि अगर आप ऑन करेंगे तो चार दीवार और एक ऊपर बैरियर ब्लॉक से बन जाएगा, और अगर आप ऑफ स्विच दबाएंगे तो ये वाला कमांड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा जिसमें सेम कमांड होगा बस बैरियर के जगह पे ऑफ यानी कि एयर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्विचिंग मैकेनिज्म बनाया है, मैं आपको बाहर जाके उसे दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम करता है। उसमें बेसिकली मैंने एक ऑन और ऑफ इंडिकेटर लगाया है जिसमें अगर आपका वकांडा शील्ड ऑन होगा तो उसका जो लाइट है वो भी ऑन होगा और ऑफ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ईजी है। फिलहाल ये काम क्यों नहीं कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। मुझे पता चल गया ये क्वार्ट्ज ब्लॉक के वजह से था, मतलब ग्लास ब्लॉक उधर नहीं लगा सकते हो आप जब भी आप रेडस्टोन यूज़ कर रहे हो, इसलिए अब मैंने क्वार्ट्ज ब्लॉक लगा दिया है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं जब भी एक स्विच दबाई जाती है तो ऑफ का जो बटन है वो ऑफ वाले कमांड ब्लॉक्स को पावर देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो ऑन की स्विच है वो दूसरे कमांड ब्लॉक को यानी कि ऑन वाले को कमांड देती है। और यहाँ पे एक सिंपल पिस्टन सिस्टम मैंने बनाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टी होगी। पर दोस्तों अगर आपको ये बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका इसके लिए एक पार्ट टू लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसको पूरा ट्यूटोरियल कवर नहीं किया कि आपको सर्किट कैसे बनाना है। पर अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी ला सकता हूँ।
दोस्तों जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल एक रेडस्टोन ब्लॉक को ऊपर और नीचे पुश किया जाता है। जब भी आप ऑन बटन दबाते हैं तो ऊपर वाला काम करता है जो कि रेडस्टोन ब्लॉक को नीचे धकेल देता है ग्लोस्टोन के पास, और जब भी आप ऑफ बटन दबाते हो तो नीचे की पिस्टन उसको ऊपर धकेल देती है, इसलिए ग्लोस्टोन को पावर नहीं मिलता है। दोस्तों सुनने में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर दोस्तों अगर आप मेरे साथ फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आप आराम से इसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। दोस्तों अभी मैं आपको एक ऑन और ऑफ का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी दे देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑन स्विच दबाता हूँ तो कैसे वो काम करता है, और मैं ऑफ स्विच दबाता हूँ तो वो कैसे काम करता है। अभी मैंने कमांड ब्लॉक में कमांड्स नहीं डाली है, इसलिए बाहर कोई भी शील्ड बन नहीं रही है, पर आपको कमांड ब्लॉक का मैं फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या कमांड किस तरह से लिखना है। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम बाहर चले जाएंगे, और अभी हमारे पास कोई भी एक ब्लॉक ले लीजिए आप, कोई भी ब्लॉक हो सकता है वो, और अभी तो सिर्फ मैं उसे मार्किंग के लिए लेने वाला हूँ। आपको जितना बड़ा एरिया चाहिए उसको रखते हुए कोने पे उसे लगा दीजिए, और फिर उसी से स्ट्रेट लाइन में चलते हुए आपको दूसरा ब्लॉक लगाना है। तो दोस्तों वैसा करते हुए आपको टोटल 4 ब्लॉक्स लगाना है चारों कोने में, और हम फटाफट से ये काम करते जाएंगे। दोस्तों ये आप कोऑर्डिनेट्स को ऑन करके ये काम कीजिएगा तो आपको ईजी होगा, मतलब आपके लिए ईजी होगा, ये बेटर होगा। और दोस्तों अभी मैं दूसरा ब्लॉक भी लगा दिया है और वो गलत था, इसलिए मैंने वापस लगाया उसे। अभी दोस्तों चौथे ब्लॉक पे भी चले जाता हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एकदम ज़्यादा प्रिसाइजली इसे कर रहा हूँ, और आपको भी इसे प्रिसाइजली करना है। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि मैंने ये कैसे किया है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए दोस्तों आपको नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए माइनक्राफ्ट के बारे में। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए कृपया मेरी पिछली वीडियोस चेकआउट कर लीजिए, जो कि है फिल कमांड, बैरियर ब्लॉक, वो सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये सब, और कमांड ब्लॉक पर भी वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों अभी मैंने चारों ब्लॉक्स लगा दिए हैं, अभी मुझे क्या करना है बेसिकली मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको कोई भी एक ब्लॉक लेना है, उसके ऊपर चढ़ जाना है और उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं, पर जो मिडिल कोऑर्डिनेट है उसमें -1 कर दीजिएगा क्योंकि आपको ग्राउंड से शील्ड लेनी है, एक कदम ऊपर से नहीं, इसलिए अभी ये होगा -76, 4 और 21। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे एक हाइट ले लेनी होगी, बेसिकली आपको जो हाइट चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अभी 19 की हाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर से जब एक पार्ट आएगा तो 20 हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो ओके है, मेरे लिए 20 हाइट ओके है। आपका जितना भी हाइट रहेगा आपके स्ट्रक्चर का उसके अकॉर्डिंगली आप उसका हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपको उसके एक ब्लॉक आगे आना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये कोऑर्डिनेट आपको ले लेना है। दोस्तों ये कोऑर्डिनेट आपको ले लेना है, यहाँ पे मेरे केस में 75, 4 और 21, आपके केस में वो अलग कोऑर्डिनेट होगा। दोस्तों ऐसी गड़बड़ मत कीजिएगा, मेरा कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखने हैं आपको। दोस्तों अभी हम सामने की तरफ वाले ब्लॉक पे आ जाएंगे, और आपको इसमें 19 की हाइट लेनी है जो कि हमने पहले डिसाइड कर ली थी। आपकी जितनी भी हाइट होगी आप उतनी ले सकते हो, अभी मेरी तो 19 की हाइट है इसलिए ये कोऑर्डिनेट्स भी मैं मार्क कर लूँगा, जो कि -39, 19 और 21। जी हाँ दोस्तों ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी हम वापस अगले हमारे स्टेप की ओर बढ़ने वाले हैं, आप अपना टाइम लीजिए, इसे बुक में लिखना है आपको। जो हाँ दोस्तों आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। अभी इसमें भी यही करना है आपको, इसके एक ब्लॉक आगे जाना है। जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये कोऑर्डिनेट आपको मार्क कर लेना है, ये कोऑर्डिनेट है -39, 4 और 20। जी हाँ दोस्तों ये कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट है, अभी आपको इन्हें एकदम आराम से लिखना है दोस्तों, बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है, इसमें एक प्रॉब्लम और आपका पूरा शील्ड बिगड़ जाएगा। अभी हम वापस अगले ब्लॉक पे जाएंगे दोस्तों, अगले ब्लॉक पे जाना है आपको, और अभी यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, अभी तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। और दोस्तों वो वाला जो ब्लॉक है एक्चुअली वो लाइन में नहीं था, वो वाला ब्लॉक लाइन में नहीं था, इसलिए अब मैंने उसे लाइन में लगा दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों कभी कभी। अभी आपको ये ब्लॉक पे और हाई जाना है, जितना आपका हाइट था उतना ही जाना है, ऑफकोर्स आपको 19 पे ही रहना है। अभी आपको ये कोऑर्डिनेट्स भी मार्क कर लेना है, जो कि है -39, 19 और -10। आपको इन्हें एक एक बंच में लिखना है, यानी कि दो दो कोऑर्डिनेट्स जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, एक ब्लॉक के ऊपर, एक ब्लॉक के नीचे और एक हाइट पे, आपको ऐसे दो दो कोऑर्डिनेट्स के उसको ग्रुप में लिखना है। अभी हम वापस वही करेंगे, एक ब्लॉक आगे जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे जो कि है -40,
4 और माइनस 10। जी हाँ दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेंगे अभी हम। और आगे बढ़ते हुए अभी हम वापस आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम वापस यहाँ पे पहुँच गए। और दोस्तों एक और बात, इस बार आपको 19 पे तो जाना ही है, पर आपको वो ब्लॉक पे नहीं चढ़ना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक और वॉल बनेगी और वो पहले से ही जगह ऑक्यूपाइड है, इसलिए आप सिर्फ मुझे कॉपी कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और इसे भी नोट कर लेना है, -75 है, 19 है और -10 है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने इन्हें भी नोट कर लिया है, तो अभी हमारा काम है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो अपना जो कमांड ब्लॉक्स है उनके उधर आना है। और दोस्तों एक और बात, उनकी जो एरोज़ है उनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कमांड ब्लॉक को ऐसे वैसे आप लगा नहीं सकते, उनके एरोज़ हमेशा एक तरफ में पॉइंटिंग होने चाहिए, एक दूसरे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे स्लैश फिल के बाद आपको कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं अपने, दो दो करके लाइन में आपको जो हमने पहले लिए थे उनको पहले लिखिए, बाद में लिए थे उनको बाद में लिखिए। और उसके बाद आपको बैरियर लिख देना है दोस्तों। इस बार तो मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है, क्योंकि दोस्तों लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप अपना टाइम लीजिएगा, आराम से लिखिए आप। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेस रह गया था दोस्तों, आपको स्पेस नहीं रहने देना है, कुछ इसी तरह आपका जो ब्लॉक है वो दिखना चाहिए। अभी ये कोऑर्डिनेट्स आप डाल रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो एक एक वॉल है वो बनता जाएगा दोस्तों। ऑफकोर्स वो अभी नहीं बनेगा, आप ऑन स्विच दबाओगे इसके बाद बनेगा, पर आप इमेजिन कीजिए आपका जो शील्ड है वो एक एक वॉल करके बनते जा रहा है, और टॉप पार्ट हम बाद में उसके कोऑर्डिनेट्स अलग से लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम कुछ कोऑर्डिनेट्स, अभी फोर्थ वॉल हमारी चालू है, फोर्थ वॉल के भी वैसे ही आपको सेम टू सेम करना है, सब में आपको एक ही जैसा करना है दोस्तों। और दोस्तों हमने इनके भी कोऑर्डिनेट्स लेने शुरू कर दिए हैं। मुझे पता है कि आपके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर दोस्तों ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसलिए आपको इसे समझने के लिए थोड़ी बहुत माइनक्राफ्ट नॉलेज की ज़रूरत होगी ही। और इसीलिए मैंने इसके पिछले वीडियोस में ये सब कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, इसलिए प्लीज़ उन वीडियोस को देखिएगा, उनकी लिंक्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी यहाँ पे भी हमें वही काम करना है दोस्तों, यहाँ पे वही कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली सेम लिखने हैं, बस फर्क होगा स्लैश फिल भी वही सेम होगा, और लास्ट में एयर लिख देना है दोस्तों, फर्क सिर्फ एयर का होगा। और मैंने आपको पहले भी समझाया कि आप ऑन स्विच दबाओगे तो वो जगह बैरियर ब्लॉक से भर जाएगी, यानी कि वो ब्लॉक्स आपको दिखाई नहीं देंगे, पर वो आपको रोकेंगे, आप आर पार नहीं जा पाओगे। यही काम है दोस्तों बैरियर ब्लॉक्स का बेसिकली। अभी आपको क्या करना है, बैरियर ब्लॉक ले लेना है, उसका जो कमांड है वो स्लैश गिव @s और बैरियर ब्लॉक है दोस्तों, उसका कमांड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में वो कमांड मैंने आपको दे दिया है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों, मैंने ऑन दबाया और बैरियर ब्लॉक अभी आपको दिख रहा है, आपको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है। बैरियर ब्लॉक जब आपके हाथ में होते हैं तो दोस्तों वो आपको दिखाई देते हैं, अगर मैं उन्हें छोड़ दूंगा तो वो नहीं दिखाई देंगे दोस्तों, यानी कि अगर मैं क्वार्ट्ज ब्लॉक पे क्लिक करूँ तो ये नहीं दिखाई देगा। पर आप अभी के लिए देखिए कि ऑन और ऑफ स्विच भी एकदम परफेक्टली काम कर रही है, और हमारे आजू बाजू एक पूरा का पूरा घेरा बन रहा है, जिसके वजह से कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। अभी हम ऊपर से भी इसे कवर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि स्पाइडर्स आपके घर में अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि वो कितना भी ऊंचा चढ़ सकते हैं दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बेसिकली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है दो कोनों के, यानी कि डायगनली ऑपोजिट जो दो कोने हैं, ये जो बैरियर ब्लॉक का जो घेरा है उसके आपको दो कोऑर्डिनेट ले लेने हैं। अभी मेरे केस में -39, 20 और -10 था। अभी मैं दूसरे कोने में जा रहा हूँ दोस्तों, आपका कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये वाले केस में -76, 20 और 21 दोस्तों। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऊपर एक छत डालने की कोशिश कर रहे हैं स्लैश फिल कमांड से दोस्तों। स्लैश फिल कमांड अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर प्लीज़ मेरा वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम अंदर जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें अभी टॉप पार्ट का कमांड डालना है। अभी हम टॉप पार्ट का कमांड डालेंगे दोनों में ही, यहाँ पे भी सेम है, बस आपको कोऑर्डिनेट्स जो आपने अभी अभी लिए वो डालने हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी कोऑर्डिनेट्स डाल रहा हूँ, इसको भी मैंने स्पीड अप करके रखा है ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं वही कोऑर्डिनेट्स है जो मैंने वहाँ से लिए थे, आपके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल अलग होंगे दोस्तों। अभी हम दूसरे कमांड ब्लॉक के अंदर जाएंगे दोस्तों, दूसरा जो कमांड ब्लॉक है उसके अंदर हम जाएंगे, उसमें भी यही कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, सेम टू सेम लिखना है दोस्तों। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थिंग है इसलिए। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम हमने ले रखे हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक स्पेस छूट गई है मुझसे, मुझे पता है, पर मैं इसे बाद में सुधार दूंगा। अभी आप सिर्फ ऑन और ऑफ स्विच को देखिए दोस्तों, वो जो स्पेस है वो आप गलती मत कीजिएगा, वो मुझसे गलती से हो गया है।
अभी मैं क्या करूँगा, मैं बाहर जाके वापस से ऑन और ऑफ करके आपको डेमो दूंगा कि कैसे ये दिख रहा है। अभी बैरियर ब्लॉक आपके हाथ में होगा तो शायद आपको अजीब सा दिखेगा, पर जब भी आप इसे नॉर्मल मोड में ऑन और ऑफ करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, बस दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है आप जेल में रह रहे हो। पर आप कमांड, अगर आपके हाथ में बैरियर ब्लॉक नहीं होगा तो आपको जेल जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको लगेगा आप एक ओपन एरिया में ही रह रहे हो और दुश्मन आपको छू भी नहीं पा रहे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो में दिखाया था। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफ मोड में है, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, आपको ऑन और ऑफ करके एक डेमो दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन हो रहा है एकदम परफेक्टली, ऑफ हो रहा है, आप कितने भी बार ऑन और ऑफ कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। और दोस्तों ये रही हमारी वकांडा शील्ड दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसको ऑफ करूंगा अभी के लिए, और सामने जो मेरा घर है उसमें ये मैंने कैसे किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम मैकेनिज्म है वैसे तो, पर फिर भी मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वही सेम टू सेम मैकेनिज्म है, और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वो ऑन मोड में है, ये देखिए अभी ऑफ कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे। और आप अपने दोस्तों के साथ इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने घर के आसपास ऐसी ही एक दीवार बना सके दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मिलते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका वो वाला डाउट भी 100% सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों अगली वीडियो तक बाय बाय।